हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना नेक्स्ट वाला वीडियो है पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज के लिए, जिसमें हम लोग पॉलिटी के 1000 एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने मुझे स्टडी स्प्रिंग पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मुझे फॉलो करने के लिए बस कुछ नहीं टाइप करना है, SANYKUMAR46 आपको मेरा प्रोफाइल दिखेगा, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पिछले सेशन में हम लोगों ने बहुत सारे एमसीक्यूज को सॉल्व किया है, तो आप वहाँ स्टडी स्प्रिंग के प्लेलिस्ट में जाकर के उस सारे वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका क्वेश्चन है पहला, वो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य कितने वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रारंभ करेगी। तो फ्रेंड्स, आपने ये देखा डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, कि ये राज्य जो है वो जो बच्चे हैं उनके लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर सकती है। ये डीपीएसपी में मेंशन किया गया हुआ है, काफी क्लियर मेंशन किया गया हुआ था। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हुआ है 8 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष और 16 वर्ष। तो डीपीएसपी में कितने वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई हुई है? तो ये आपका जो है वो 14 वर्ष। इसका राइट आंसर जो है वो आपका सी हो जाएगा, 14 वर्ष। और आपको मैं एक चीज बताऊं कि ये जो आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 2003 में, इस 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मीन्स 86वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि इस चीज को जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ग हो जाएगा, 14 वर्ष। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया रहता कि कितने वर्ष से कितने वर्ष के बच्चे के लिए, तो इसका राइट आंसर 6 से 14 वर्ष हो जाता। वैसे आपके पास कितने वर्ष के आयु के बच्चों के लिए जो है कि क्वेश्चन किया गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 14 वर्ष होगा। मैक्सिमम एज जो इसका है वो 14 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि न्यायपालिका, ठीक है, जो आपकी ज्यूडिशियरी है, उसको जो है कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान जो है वो किस आर्टिकल में मेंशन किया गया हुआ है? क्या वो आर्टिकल 45 में है, 46 में है, 48 में है या 50 में है? तो एक चीज आपको मैं बताऊं कि ये डीपीएसपी में मेंशन किया गया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 50 मीन्स आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में ये मेंशन किया गया हुआ है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है, और न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का मतलब यह हुआ कि जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब ये इसका मेन पर्पस था कि क्या होगा, तो अगर न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया जाएगा तो कार्यपालिका जो है न्यायपालिका के किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं करेगी, ये मतलब था। लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इन्फोर्सेबल नहीं है। कभी कभी सरकार जो है वो न्यायपालिका के काम में जो है इंटरफेयर करती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मेंशन किया गया हुआ है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया जाए, ठीक है, तो ये आर्टिकल 50 में मेंशन किया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है? तो कॉमन सिविल कोड जो है, ठीक है, एक समान नागरिक संहिता, इसकी बात कही गई है कि नहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, डीपीएसपीज में, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में? तो बिल्कुल ये कहा गया हुआ है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका क हो जाएगा, ये कहा गया हुआ है। और ये आर्टिकल 44 में मेंशन किया गया है कि डीपीएसपी के आर्टिकल 14 में, मीन्स 36-51 डीपीएसपीज हैं हमारे, तो इसमें आपके जो आर्टिकल है 44, इसमें ये मेंशन किया गया हुआ है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी, मतलब कॉमन सिविल कोड होगी। लेकिन इस पे अभी बहस चल रही है, ये पूरी तरीके से लागू अभी तक नहीं हुआ है। अब कॉमन सिविल कोड अगर लागू होगा तो यहाँ पे आज जो है वो मुस्लिमों के कुछ रूल एंड रेगुलेशन अलग होते हैं, अगर उनको संपत्ति का बंटवारा करना होता है तो, हिंदू के लिए अलग होते हैं, हिंदू का जो शादी होता है वो हिंदू लॉ के हिसाब से होता है, मुस्लिमों का अलग होता है, उनके लिए कुछ लॉ, कुछ टर्म एंड कंडीशन अलग होते हैं ज्यूडिशियरी में। तो ये सारे चीज एक समान हो जाएंगे और इससे हमारे
न्यायपालिका पर जो है वो ज्यादा बोझ नहीं रहेगा, जो पेंडिंग केसेस हैं उसमें जो है कि कमी आएगी, क्योंकि अगर मुस्लिम्स जो कम्युनिटी है उससे रिलेटेड कोई केस जाती है तो उसके लिए एक स्पेशल लॉयर भी हायर करना होता है, और फिर जो लॉयर यहाँ पे होते हैं वो और सरकार मीन्स कि एक ज्यूडिशियरी से भी अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सरकार की तरफ से जो वकील होते हैं उनके पास भी स्पेशल नॉलेज होना चाहिए होता है उसके लिए, तो ये ज्यूडिशियरी पर एक बहुत बड़ा बोझ डालता है। ठीक है, तो इसलिए कॉमन सिविल कोड लाने की बात कही गई है यहाँ पर, हालांकि यह बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है अभी, तो इस पे कुछ कमिटमेंट करना गलत होगा, लेकिन फिर भी ये जो कॉमन सिविल कोड है इसकी बात कही गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? ठीक है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो आपका अमेंडमेंट होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर है वो पार्लियामेंट के पास पावर अगर है तो क्या वो ऐसे ही पावर है, या फिर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी आर्टिकल में मेंशन किया गया होगा तब वो पावर है? तो बिल्कुल कहीं ना कहीं वो आर्टिकल में मेंशन है तभी उनके पास पावर है। ठीक है, तो ये जो इसका राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, ये जो है भाग 20 पार्ट 20 और आर्टिकल 368 मतलब अनुच्छेद 368, इसमें ये मेंशन किया गया होगा कि संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है। अभी रिसेंट में आप लोगों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखा है, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रह चुका है अभी और बहुत जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है इसके लिए, लेकिन संसद जब चाहे तब तो अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, या फिर ऐसे विदाउट किसी प्रोविजन के तो अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। तो ये जो प्रोविजन है वो लिखा हुआ है आर्टिकल 368 में कि कैसे अमेंडमेंट किया जा सकता है, और वो है भाग 20 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 है, संविधान में 3 तरीके से संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग जो डिटेल्ड कोर्स बनाने वाले हैं उसमें हम लोग सारे चैप्टर को कवर करेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो इसलिए आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संवैधानिक संशोधन में जनमत संग्रह की व्यवस्था है? तो आपको मैं बता दूं कि जनमत संग्रह जो है वो जनमत संग्रह की व्यवस्था संवैधानिक संशोधन में नहीं है, मीन्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है तो उस पे जनमत संग्रह कराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और जैसे कि अभी CAA हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है इसके लिए, लेकिन जनमत संग्रह कराने की व्यवस्था नहीं है हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, और सरकार भी इसके लिए कमिट कर चुकी है कि इसको वापस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो जो आपका संवैधानिक संशोधन अगर होता है तो उस पे जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं की गई है। अब जनमत संग्रह का क्या मतलब हुआ कि वहां के जो जनता है उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनसे ये पूछा जाएगा कि क्या ये लॉ सही है या नहीं है, अगर वो बोलते हैं कि ये लॉ गलत है तो फिर उसको हटा दिया जाएगा, और अगर ये लॉ सही होगा जनता की तरफ से तो इसको रखा जाएगा। तो ये जनमत संग्रह हुआ, एक ऐसे आप आसान भाषा में इसको समझ लीजिए, ये होता है जनमत संग्रह का मतलब। तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा, मीन्स बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया की पहल सामान्यतः राज्य विधानमंडल कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं, ये कभी भी राज्य विधानमंडल नहीं कर सकता है, इसको संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया जब भी होगी तो संसद में होगी, और संसद के किसी भाग में, ठीक है, संसद के किसी भाग में, या तो वो लोअर हाउस होगा या फिर वो अपर हाउस होगा, इसको पेश किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसको राज्य विधानमंडल पेश नहीं कर सकती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ख नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो मैंने पहले भी अपने स्लाइड में ये मेंशन कर दिया कि इसको संसद में सबसे पहले पेश किया जाता है, राइट आंसर आपका क हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी स्लाइड्स और क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं ये कहीं ना कहीं से बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो आप पहले बेसिक क्वेश्चन को कवर करेंगे, फिर हम लोग इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, CAPF, CDS, EPFO वगैरह जितने भी एग्जाम होते हैं जहाँ पे आपके पॉलिटी के क्वेश्चन का वेटेज होता है, पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सारे चैप्टर को कवर करेंगे, वहाँ पे MCQs को भी कवर करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिलेवेंट होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग,
और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। बिल्कुल, संसद के किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सॉरी इसको आप किसी भी सदन कर लीजिएगा, यहाँ पे ये मिसटाइप है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है। या तो वो लोअर हाउस होगा या फिर अपर हाउस होगा, मीन्स लोकसभा होगा या राज्यसभा होगा, कहीं भी उसको पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या संवैधानिक संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति से संस्तुति प्राप्त करना आवश्यक होता है। बिल्कुल, संवैधानिक संशोधन करने से पहले जो है संवैधानिक संशोधन जो होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होगा, उस पर राष्ट्रपति की संस्तुति प्राप्त करना आवश्यक होगा। मीन्स जब वो पास हो जाएगा दोनों हाउस से, लोअर हाउस एंड अपर हाउस से, जब तक उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वो जो है कि लॉ नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर और उसकी संस्तुति प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, लेकिन आप मुझे स्टडी स्प्रिंग पे सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी स्प्रिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे अकेडमी भी फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड गुड बाय।